मैं जिन गुरु जी के पास पढ़ता था, वो गुरु जी ऐसा कहते थे कि रामचरित मानस भी वेद है, आप उनको वेद का रूप ही समझिए। वेद भगवत वाणी है, वेद को लिखा नहीं गया, वेद स्वयं भगवान ने हयग्रीव अवतार में आकर उनका प्रणयन किया, मेहनत करके नहीं लिखा है उसको। जब मेहनत करके लिखने बैठते हैं तो कई बार लिखना पड़ता है और फिर मिटाना पड़ता है, लिखने के बाद पता चलता है कि ओहो गड़बड़ हो गया। और आजकल तो मोबाइल का जमाना है, बोलो जैसे कृष्ण, लिखते लिखते कभी कभी वो डिक्शनरी से गलत आ जाता है, लिखने जाते हैं कुछ और होता है, हाँ ऑटोमेटिक हो जाता है, ब्रिंग फ्लावर्स की जगह ब्रिंग फुल हो जाता है, बहुत गड़बड़ भी होती है। जो स्वतः लिखा जाता है उसमें ऐसी मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो स्वतः आता है। वेदों को भगवान ने अपनी सहज वाणी से उत्पन्न किया है, उसी तरह से तुलसीदास जी की सहज वाणी से ये रामचरितमानस निर्गत हुआ है, उसको मेहनत करके लिखना नहीं पड़ा। सज्जनों ध्यान दीजिएगा, ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, रामचरितमानस किस तरह से हमारे पास आया, उसके पीछे बहुत सारी बातों में मुझे जो सबसे सचोट लगती है, मेरे मन को जो भाती है, वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। बहुत वर्ष पूर्व एक छोटा सा उधर उत्तर भारत में गांव बांदा नाम का, माता पिता के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। जन्म से ही बच्चे के दो दांत थे, तो लोगों ने सोचा ये बच्चा राक्षसी है, राक्षस जैसा है, और जन्मते ही मां मर गई। तो लोगों ने सोचा रे ये बच्चा कैसा, जन्मते ही उसकी मां मर गई, और कुछ दिन में उनके पिताजी भी चल बसे, पिताजी भी मर गए। तो लोगों ने सोचा ये बच्चा अच्छा नहीं है, इसके आने से ही सब गड़बड़े होने लगी, गांव में झगड़े होने लगे। तो उन्होंने उन बालक को उसके मामा के घर भेज दिया, ध्यान दीजिएगा। अब वो जहां गया मामा के घर, वहां भी बिल्कुल वैसे ही गड़बड़ गड़बड़ झगड़ा वगड़ा होने लगा। तो लोगों ने सोचा कि ये बालक ठीक नहीं है, ये सब विधि का विधान था, नियंता को ईश्वर को इस बच्चे को उस रूप में ले जाना था, इसलिए उसको वहां ये दुख देकर वहां ले जाते हैं। गुरु जी कहते थे कि जब जीवन में दुख आता है तो समझ लेना अब उस दुख से तुम्हारे शरीर के और तुम्हारे जीवन के रंग निखरने वाले हैं। जब दुख आता है, कष्ट आता है, तो उस दुख और कष्ट के बाद में कुछ अच्छा होने वाला होता है, ऐसा नियंता है, नियम है। तो कष्ट आया बचपन से ही, मामा के घर से भी निकाल दिया, काशी में चला गया, और काशी में धीरे 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 विद्वानों के बीच में बच्चा रहने लगा, सत्संग करने लगा, धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जिस माहौल में जिस माहौल में व्यक्ति बड़ा होता है ना, उसके गुण अपने आप आ जाते हैं। जिस क्षेत्र में, जैसे लोगों के बीच में व्यक्ति बड़ा हो जाता है, उसका मन भी धीरे 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 वैसा होने लगता है। विद्वानों के बीच रहकर वेद ज्ञान पुराणों की बातें इस बालक में समझने लगी, और बालक का नाम रखा गया तुलसी। तुलसी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, विद्वानों के बीच में रहकर काफी कुछ जान लिया। समय बीतते हुए समय नहीं लगा और पंडित की लड़की से उनकी शादी हो गई। गंगा जी के उस घाट पे काशी है और इधर एक छोटा सा गांव, वहां के पंडित जी की लड़की से उनकी शादी हो गई। शादी के कुछ दिन बीते, पत्नी गई अपने पिताजी के घर। शुरू शुरू में जाते हैं तो अच्छा लगता है, बोलो जय श्री कृष्ण। शुरू शुरुआत थी तो गई वहां पर, और वहां जाने के बाद पतिदेव को, मतलब तुलसी को, रात्रि को 12 बजे पत्नी की याद आई, मिलने जाना है। मिलने के लिए उन्होंने जाना शुरू किया, बीच में गंगा जी थी, उस पार जाना पड़ता है, वो नाव चलाने वाला सो रहा था, जाऊं कैसे। तो देखा जो भी हाथ में आया वो पकड़ के गंगा पार पानी में तैर के उधर चले गए, और गए तो उनके ससुराल का सब घर भर बंद था, ऊपर की खिड़की खुली थी, सोचा खिड़की से अंदर चले जाएंगे। दिखा नहीं कुछ, एक रस्ते जैसा कुछ दिखा तो पकड़ कर वो ऊपर चले गए। अंदर गए, पत्नी ने कहा अभी इतनी रात को क्यों आए और कैसे आए, बड़ा प्रश्न तो ये, आए तो ठीक है परंतु आप आए कैसे। बोले क्या बताओ, आपकी इतनी याद आ गई कि गंगा जी में जो भी कुछ मिला उसको पकड़ के तैर के आ गया, और ये रस्सी नहीं है वहां, ये देखिए क्या है, सर्प था, हद हो गई तुलसी, आपने आधी रात में अंधेरे में सर्प और रस्सी का भेद नहीं जाना, इतने कामांध हो गए आप, इतना प्रेम मेरे प्रति,
अरे ये क्या, गंगा जी में जो तैर कर आए वो लकड़ी नहीं थी, वो मुर्दा था। किस व्यक्ति जो मरा हुआ था उसके शव को पकड़कर आप गंगा पार हो गए और सर्प को रस्सी समझकर आप खिड़की में चढ़ गए। तुलसी, इतना प्रेम यदि आपने भगवान को किया होता ना तो ईश्वर आपको मिल जाते। इतना कहा और वो शब्द तुलसी के हृदय को स्पर्श कर लिया, हृदय को लग गया। इतना प्रेम यदि भगवान को किया होता तो सब कुछ मिल जाता। तुलसी ने तत्क्षण पत्नी को छोड़ लिया, वहां से छोड़कर काशी आ गए। और जब व्यक्ति को कोई बात लग जाती है ना तो वो अंदर से मचल जाता है और उसी समय वो व्यक्ति संभल जाए तो कहां से कहां पहुंच जाता है, और नहीं संभलता तो वो वहां का वहां रहता है। तुलसी संभल गई, ईश्वर के प्रति प्रेम हो गया, काशी की गलियों में घूमने लगे और भगवान के नाम का स्मरण, भगवान की खोज करने लगे। ईश्वर की खोज करते 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 17 साल जीवन के बीत गए, अधेड़ उम्र जीवन की चली गई। काशी में पागलों की तरह घूमते थे, भगवान की याद में, भगवान की मस्ती में, भगवान की खोज में, खुद के स्वाभिमान को, खुद के स्वयं को भूल गए। कोई काम देता था काम कर लेते थे, कोई गाली बोलता था सुन लेते थे। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में मस्त हो जाता है ना, उनको दुनियादारी की कोई चिंता नहीं होती, उनको कोई लेना देना नहीं है। कोई भला करे कहे, कोई बुरा कहे, क्योंकि वो तो भगवान के मार्ग पर है, ईश्वर के पथ पर है। यही उत्तम भक्त का लक्षण है। उत्तम भक्त के रूप में तुलसी काशी में घूम रहे थे। घूमते 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 एक दिन कोई मिला और कहा, क्या पागलों की तरह काशी में घूम रहे हो, क्यों घूम रहे हो? तब उन्होंने कहा कि मैं तो राम की खोज कर रहा हूं। अरे भाई, अब जो मिला, जिसने पूछा क्यों घूम रहे हो, वो तो सहज सामान्य व्यक्ति था। उसने कहा क्यों घूम रहे हो, तब इतना ही जवाब दिया, मैं तो राम को खोज रहा हूं। परंतु वो सामान्य सहज लगने वाला व्यक्ति कोई सामान्य नहीं, वो स्वयं भगवान विश्वनाथ थे। सामान्य रूप में आए और कहा कि भाई, महादेव की नगरी में राम कहां मिलेंगे? बोलो राधे राधे, बोलो जय श्री कृष्ण। तो महादेव की नगरी है, महाश्मशान है। और बहुत गुप्त बात बताऊं, महादेव की नगरी में महादेव रहते हैं और महादेव ने राम को अपने हृदय में कैद करके रखा है। वो बाहर थोड़ी ना घूमने देंगे, उनके आराध्य देव है। इसलिए कहा कि यहां महादेव की नगरी में महादेव को खोजोगे तो मिल जाएगा, राम को खोजना है तो अयोध्या जी चले जाओ। तुरंत तुलसी ने बात मानी और वहां से अयोध्या जी पधारे। उसी तरह से जैसे काशी में रहते थे वैसे अयोध्या में रहने लगे। अयोध्या परम पावन नगरी, अद्भुत वर्णन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है, वो आगे समझेंगे। सुंदर नगरी थी, सरयू का घाट, सरयू की नदी भी परम पवित्र नदी, उसी घाट पर टहलने लगे, विचरने लगे, जहां जहां बहुत सारे मंदिर थे, मंदिरों में दर्शन करते थे और पागल की तरह घूमते थे। काशी में तो तुलसीदास जी को सब लोग पहचानते हैं, क्योंकि बचपन वहीं पर गुजरा, सब लोग जानते हैं। अयोध्या जी नया है, अयोध्या में उनको कोई नहीं जानता, और कोई नहीं जानता इसीलिए उनकी महत्ता उनको पता नहीं है। अयोध्या वासियों इतने बड़े विद्वान थे, संस्कृत के ज्ञानी थे, ईश्वर के प्रति मन उनका लग गया था, ऐसे व्यक्ति थे। परंतु अयोध्या में नए हैं, किसी को पता नहीं, फटे हुए कपड़े, शरीर पर गंदे लगे हुए दाग, कहीं चोट, बाल का कोई ठिकाना नहीं है, गले में केवल एक जनेऊ है, गले में तुलसी की माला है, एक छोटा सा तिलक है, और दरिद्र ब्राह्मण जैसे लग रहे थे और पागलों की तरह घूम रहे थे, इसलिए लोगों ने उनको पागल समझ लिया और पागलों की तरह रहते थे। लोगों ने पूछा नाम, बोले तुलसी। इधर उधर घूमते थे, कोई कहते तुलसी झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगाते थे, तुलसी काम करो, तुलसी काम, कभी मना नहीं करते थे, जो काम कहो वो करते थे। एक दिन एक वहां पंडित जी थे मंदिर में, चंदन घिसते घिसते उनके हाथ में दर्द हो रहा था, तो सोचा कि कोई चेला मिल जाए तो काम हो जाए। बोलो राधे राधे। तो चेला मिल गया, आज अच्छा मजबूत सुंदर ब्राह्मण था और जा रहा था। कहां जा रहे हो भाई? बोले खोज कर रहा हूं। किसकी? बोले राम की। बोले आओ, मुझे पता है राम कहाँ है। बोले भगवान, पंडित जी को पता हो ईश्वर कहाँ होता है? एक काम करो, ईश्वर को पाना है तो मंदिर में सेवा करो,
मंदिर में सेवा करोगे तो ईश्वर अपने आप मिल जाएंगे। पंडित जी बताइए मैं क्या सेवा करूं, एक काम करो चंदन घिसो। तो उसने कहा जरूर, तुरंत चंदन का वो लकड़ी और नीचे घिसने वाला पत्थर लिया और पंडित जी ने भगवान को कहा प्रभु अच्छा चेला दे दिया, आपकी कृपा हो गई, बोलो जैसे कृष्ण। काम हो गया, वो तो चंदन घिसने लगा, रोज चंदन घिसता है, सुबह 7 बजे चंदन घिसना शुरू करता है, 12 बजे तक चंदन घिसता ही रहता है, किसी को कोई मतलब नहीं, वो घिसता जा रहा है, पंडित जी का काम हो रहा है। और पंडित जी ने सोच लिया चेला अच्छा है, इसको छोड़ना नहीं है, रोज खाना दे देते थे, 2-4 भगवान की बातें कर देते थे और तुलसीदास का जीवन बीत रहा था सरयू के घाट पर। करते 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 काफी समय वहां उन्होंने बिताया, 17 साल के ऊपर अधेड़ वय में चले गए थे। और एक दिन अद्भुत दिन था, एक दिन अच्छा शुभ मतलब राम चैत्र मास चल रहा था और चैत्र मास की नवमी आने वाली थी, चैत्र मास की नवमी, ये रामनवमी के नाम से हम सब जानते हैं। चैत्र मास में चंदन घिस रहे थे, सज्जन ध्यान देना ये चैत्र महीना साधना के लिए, उपासना के लिए, कथा श्रवण के लिए सबसे अच्छा माना गया है। कभी देखिए चैत्र मास में नवरात्रि भी आती है, उस नवरात्रि में गरबा का महत्व तो नहीं है, उस नवरात्र में केवल जप करने का महत्व है, मां भगवती के पारायण का महत्व है। राम नवरात्रि भी आती है, 9 दिन तक बैठकर रामचरितमानस के पारायण का बड़ा महत्व है, क्योंकि इन्हीं दिनों में रामचरितमानस का भी प्रागट्य है, जो मैं अभी कहूंगा। और चैत्र मास का दिन बीत रहा था, गर्मी भी होती है उन समय में और मस्तक से पसीना जा रहा था और तुलसीदास सुबह सुबह चंदन घिस रहे थे। किसते 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 तुलसीदास के मन में एक विचार आया, इतने दिन हो गए भगवान क्यों नहीं मिल रहे, कुछ तो पाप होगा मेरे जीवन में। भगवान की याद में आज तक उन्होंने कई बार स्मरण किया, कई बार कीर्तन किया, कई बार भक्ति की, कई बार भजन किया, परंतु तुलसी कभी रोए नहीं थे, बोलो जय श्री कृष्ण। और जब तक भक्ति में व्यक्ति रोता नहीं है तब तक मानव भक्ति पूर्ण नहीं होती। दो चीज से भक्ति और दो चीज से भोग पूर्ण होते हैं, जो भगवान को भोग लगाते हैं ना नैवेद्य, वो दो चीज से पूर्ण होते हैं। आप कितना भी भोग लगाओ, दो चीज वो भोग लगाते समय चाहिए, एक तुलसी का पान और एक थोड़ा सा पानी, पानी से ऐसे गोल राउंड करते हैं, ऐसे चढ़ाते हैं, भोग लगा दिया भगवान को। तो जब तक वो अंजलि पानी की नहीं दी जाती तब तक भोग नहीं लगता। उसी तरह से भक्ति में आंखों आंखों से अश्रु नहीं निकलते, भक्ति पूर्ण नहीं होती। वो भी रोना अपने आप आना चाहिए, जबरदस्ती नहीं रोना है, बोलो राधे राधे, नगर कल से जाके रोना शुरू, भक्ति महाराज हो गए, ऐसे नहीं। अपने आप जब स्वयं रोने रोने में अंतर होता है, जब व्यक्ति दुख में रोता है तो आंसू गर्म होते हैं और जब भक्ति में रोता है, खुशी में रोता है, तो कहा जाता है आंसू ठंडे होते हैं। जब दुख में व्यक्ति रोता है तो मुंह से गुस्सा और क्रोध और अपशब्द निकलते हैं, और जब भक्ति में व्यक्ति रोता है तो मुंह से आशीर्वाद, भक्ति अथवा काव्य का जन्म हो जाता है। तुलसीदास चंदन घिस रहे थे, घिसते 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 उनकी आंखों से आंसू निकल गए, प्रभु इतनी देरी क्यों, आधे से ऊपर मेरी जिंदगी बीत गई, प्रभु काशी में इतना घुमा आप नहीं दिखे, मैं अयोध्या जी आया प्रभु यहां भी नहीं। और वेदों में पुराणों में और शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, जब भी कोई व्यक्ति सच्चे भाव से भगवान को याद करता है और राम 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 का जप करता है, हनुमान जी वहां सुनने के लिए जाते हैं, दुनिया में कहीं भी कोई भी रूप में। और तुलसीदास रोज इस घाट पर बैठकर चंदन घिस रहे थे, चंदन घिसते घिसते राम 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 बोल रहे थे और रोज हनुमान जी वहां आ रहे थे, रोज सुनते थे राम नाम उनका, क्योंकि उनका राम नाम दिल से हो रहा था, दिल से बज रहे थे। रोज हनुमान जी वहां आते हैं, कभी पक्षी के रूप में, कभी चिड़िया के रूप में, कभी कुत्ते के रूप में, कभी वानर के रूप में, कभी ब्राह्मण के रूप में, कभी काम करने, अलग अलग रूप में हनुमान जी आकर तुलसी के इधर उधर रहते थे और उनका राम नाम सुनते थे। बाष्प वारि परिपूर्ण लोचनम नमत कृष्ण मस्तकांजलि, जब भी हनुमान जी कोई राम नाम बोलता है तो हनुमान जी वहां जाते हैं, दो हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं।
बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, आंखों में अश्रु भरकर हनुमान जी राम नाम का स्मरण करते रहते हैं। तो आइए दो क्षण हम भी भगवान के उस स्मरण का आश्रय लें। उठो पड़ी गयो छु भगवान ना चरण मा, उठो पड़ी गयो छु भगवान ना चरण मा, जीवन झुकावी दीदू, जीवन झुकावी दीदू श्री राम ना चरण मा, उठो पड़ी गयो छु भगवान ना भजन मा, बड़ी गयो छु भगवान ना भजन मा, बची न सरोवर मा डुबकी लगावी छे, बची न सरोवर मा डुबकी लगावी छे, बची न सरोवर मा मैं डुबकी लगावी, बची न सरोवर मा मैं डुबकी लगावी, संतो ये मारा जग मा, ये मारा जो दीदी जगा।